हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? और मैं विजय कुशवाहा, और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे हरी मिर्च की टॉप चार हाइब्रिड किस्मों के बारे में, कि ये वैरायटी कैसी हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनकी जब भी हम बुआई करते हैं तो इनकी बीज दर कितनी लगती है, इनको हम किन किन राज्यों में लगा सकते हैं, किन प्रकार की मिट्टी में उगा सकते हैं, इनकी कीमतें क्या हैं, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधी नई नई जानकारी आपको यहां से मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम बात करेंगे हरी मिर्च की टॉप चार हाइब्रिड किस्मों के बारे में। जैसा कि इस समय मई का महीना खत्म होने वाला है और जून का महीना स्टार्ट होने वाला है और खरीफ सीजन का भी समय स्टार्ट होने वाला है, तो जब भी किसान भाई खरीफ सीजन में मिर्च की खेती करते हैं तो सबसे पहले उसकी वैरायटी का चयन करते हैं। और जब भी वैरायटी का चयन करते हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए वैरायटियों का चयन करते हैं, जैसे कि वैरायटी ऐसी हो जो अधिकतम उत्पादन देने वाली हो, ऐसी वैरायटी हो कि वो लीफ कर्ल वायरस के प्रतिरोधी किस्म हो, ऐसी वैरायटी हो कि उसको हम किसी भी स्थान पर लगा सकें और उसके फलों को यदि हम मंडियों में ले जाएं तो उनके अच्छे भाव हमको प्राप्त हों। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई हरी मिर्च की वैरायटियों का चयन करते हैं। तो आज हम हरी मिर्च की टॉप चार हाइब्रिड किस्मों के बारे में बात करेंगे। उनमें जो सबसे पहली वैरायटी है वो है रुद्राक्ष, जो कि एक्सेल हाइब्रिड कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी के फलों की पहली तुड़ाई रुपाई करने के 45 से 50 दिन बाद शुरू हो जाती है। इसके फल की लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर तक होती है। इसके फल की मोटाई 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक होती है। इसके फल गहरे हरे, चमकदार और काफी आकर्षक होते हैं। ये वैरायटी एलसीवी रोग के प्रतिरोधी किस्म है, जिसको लीफ कर्ल वायरस बोलते हैं। इस वैरायटी को आप खरीफ और रबी सीजन में लगा सकते हैं। कहने का मतलब आप इसकी बुआई जून से लेकर अंतिम दिसंबर तक कभी भी कर सकते हैं। बात करें इसकी कीमत की, तो इसकी 10 ग्राम की पैकेट आपको मार्केट में 350 रुपए से लेकर 380 रुपए के बीच में मिल जाएगी। इसके बाद एक दूसरी वैरायटी है जो कि यूएस 917 है, जो कि नुनेम्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी के फलों की पहली तुड़ाई रोपाई करने के 40 से 45 दिन बाद शुरू हो जाती है। इसके फल की लंबाई 10 से 11 सेंटीमीटर तक होती है। इसके फल की मोटाई 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक होती है। इसके फलों को हरे के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और इसके फलों को सूखे लाल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इस वैरायटी के फलों को आप लाल करके सुखा भी सकते हैं। इसके फलों का रंग गहरा हरा होता है और सुखाने के बाद इसका रंग लाल भी हो जाता है। इस वैरायटी को आप खरीफ, रबी और जायद तीनों सीजनों में लगा सकते हैं। इस वैरायटी को आप पूरे वर्ष कभी भी लगा सकते हैं। बात करें इसकी कीमत की, तो इसकी एक पैकेट की कीमत लगभग 270 रुपए से लेकर 300 रुपए के बीच में होती है। और इसके पैकेट में जो बीज है वो गिनती के हिसाब से आते हैं, इसके पाउच वजन के हिसाब से नहीं आते हैं। इसके एक पैकेट में 1500 बीज निकलते हैं और इसके 1500 बीज की कीमत 270 रुपए से लेकर 300 रुपए के बीच में होती है। इसके बाद एक तीसरी वैरायटी है जो कि आर्बर है, जो कि नुनेम्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी के फलों की पहले तुड़ाई रुपाई करने के 40 से 45 दिन बाद शुरू हो जाती है। इसके फल की लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर तक होती है। इसके फल की मोटाई 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक होती है। इसके फल गहरे हरे, आकर्षक चमकीले और काफी तीखे होते हैं। ये वैरायटी भी एलसीवी रोग के प्रतिरोधी किस्म है। इस वैरायटी को आप खरीफ और रबी सीजन में लगा सकते हैं। बात करें इसकी कीमत की, तो इसकी एक पैकेट की कीमत लगभग 580 रुपए से लेकर 620 रुपए के बीच में होती है। इसके बाद अंतिम और चौथी वैरायटी है जो कि सितारा गोल्ड है, जो कि ये सेमिनस कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी के फलों की पहली तुड़ाई रोपाई करने के 55 से 65 दिन बाद
शुरू हो जाती है। इसके फल की लंबाई 13 से 14 सेंटीमीटर तक होती है। इसके फल की मोटाई 1.2 से 1.3 सेंटीमीटर तक होती है। इसके फल गहरे हरे आकर्षक काफी चमकीले होते हैं। ये वैरायटी एलसीवी रोग के प्रतिरोधी किस्म है। इस वैरायटी को भी आप खरीफ और रबी सीजन में लगा सकते हैं। बात करें इसकी कीमत की, तो इसकी एक पैकेट की कीमत लगभग 500 रुपए से लेकर 550 रुपए के बीच में होती है। तो ये रही हरी मिर्च की टॉप 4 हाइब्रिड किस्में। और इस वीडियो में जो भी हमने इनकी कीमतें बताई हैं, वो कीमतें इससे कम भी हो सकती हैं और इससे अधिक भी हो सकती हैं, क्योंकि कीमतें प्रतिवर्ष बढ़ती भी रहती हैं और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कीमतें होती हैं। तो आप कीमतों पर न जाएं। बात करें कि इन वैरायटियों को हम किन किन राज्यों में लगा सकते हैं, तो इन वैरायटियों को आप भारत के सभी राज्यों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, इनके अलावा और भी अन्य राज्यों में आप इनकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। बात करें कि इन वैरायटियों को हम किन किन मिट्टियों में लगा सकते हैं, तो इन वैरायटियों को आप दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, हल्की चिकनी मिट्टी, हल्की रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, इन सभी प्रकार की मिट्टियों में आप इनकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। और मिट्टी ऐसी हो जिसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो और कार्बनिक पदार्थ या जीवांश पदार्थ की मात्रा अधिकतम हो और जिसका पीएच मान 5.5 से 7 के बीच में हो, ऐसी मिट्टियों में आप इनकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। तो ये रही हरी मिर्च की टॉप 4 हाइब्रिड किस्में। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल, और यदि आपको वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान, जय किसान।